बहुत पुरानी बात है, एक गांव में कुछ मजदूर पत्थर के खंभे बना रहे थे। तभी वहां से एक संत गुजरे। उन्होंने एक मजदूर से पूछा, यहां क्या बन रहा है? उसने कहा, देखते नहीं पत्थर काट रहा हूं। संत ने कहा, हाँ देख तो रहा हूं, लेकिन यहां बनेगा क्या? मजदूर झुंझला कर बोला, मालूम नहीं, यहां पत्थर तोड़ते तोड़ते जान निकल रही है और इनको ये चिंता है कि क्या बनेगा। साधु आगे बढ़े, एक दूसरा मजदूर मिला। संत ने पूछा, यहाँ क्या बनेगा? मजदूर बोला, देखिए साधु बाबा, यहाँ कुछ भी बने, चाहे मंदिर बने या जेल, मुझे क्या, मुझे तो दिन भर की मजदूरी के रूप में अपने पैसे मिल जाते हैं, बस शाम को पैसे मिलते ही मेरा काम बने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या बन रहा है। साधु आगे बढ़े तो तीसरा मजदूर मिला। साधु ने उससे पूछा, यहाँ क्या बनेगा? मजदूर ने कहा, मंदिर। इस गांव में कोई बड़ा मंदिर नहीं था, इस गांव के लोगों को दूसरे गांव में त्यौहार मनाने जाना पड़ता था। मैं भी इसी गांव का हूँ, ये सारे मजदूर इसी गांव के हैं। मैं एक एक छेनी चलाकर जब पत्थरों को गढ़ता हूँ तो छेनी की आवाज़ में मुझे मधुर संगीत सुनाई पड़ता है, मैं आनंद में हूँ। कुछ दिनों बाद यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ धूमधाम से पूजा होगी, मेला लगेगा, कीर्तन होगा। मैं यही सोचकर मस्त रहता हूँ, मेरे लिए ये काम काम नहीं है, मैं हमेशा एक मस्ती में रहता हूँ, मंदिर बनाने की मस्ती में। मैं रात को सोता हूँ तो मंदिर की कल्पना के साथ, और सुबह जागता हूँ तो मंदिर के खंभों को तराशने के लिए चल पड़ता हूँ। बीच बीच में जब ज़्यादा मस्ती आती है तो भजन गाने लगता हूँ। जीवन में इससे ज़्यादा काम करने का आनंद कभी नहीं आया। साधु बाबा ने कहा, बस यही जीवन का रहस्य है मेरे भाई, बस नज़रिए का फ़र्क है। आप जो भी काम करो उसमें मन लगाकर काम करो, आनंद अपने आप ही आने लगेगा।